देश का हृदय कहा जाने वाला मध्य प्रदेश संस्कृति की लहरों के साथ जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर। देश के तिरंगे व देश का स्वाभिमान अभिमान रैली निकाली गई, बलिदानियों को याद किया गया। इस दौरान एक भव्य रैली का नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के जिला देवास खातेगांव विधानसभा में विधायक आशीष शर्मा के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें देशभक्ति की भावना देखते ही बनती थी। और इस दौरान विधायक ने रैली के विषय में जानकारी दी कि रैली देश के तिरंगे और देश के स्वाभिमान अभिमान की रैली है। उन बलिदानियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की वरिष्ठ नेता जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, स्वर्गीय दीदी सुषमा स्वराज को भी याद करते हुए कहा उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो भव्य रैली निकाली गई, भव्य तिरंगा रैली निकाली गई और इसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता था। जगह जगह इस रैली का स्वागत लोग पुष्प वर्षा से कर रहे थे। तिरंगे के सम्मान की रैली है, ये रैली देश के स्वाभिमान और देश के अभिमान की रैली है। कई वर्षों से हम ये रैली खातेगांव नेमावर से प्रारंभ करके हरण गांव तक ले जाते आ रहे, लेकिन आज सुबह से भारी बारिश हो रही है, कई नदियां पुल चल रही है, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को आने में दिक्कत हुई। लेकिन जिस तरह -30 डिग्री में सियाचिन में भारत का जवान अपनी सेवाएं देता है, जिस तरह 50 डिग्री के ऊपर राजस्थान के मरुस्थल में भारत का सैनिक अपने ड्यूटी देता है, और जिस तरह असम की बाढ़ में भारत का वीर जवान तिरंगा हाथों में थामे और सीमाओं की मुस्तैदी करता है, उसी तरह तिरंगे को लेकर जो जुनून आज इस खातेगांव की धरती पर कार्यकर्ताओं के अंदर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, इतने गिरते पानी में भी हर आदमी मोटरसाइकिल से इस यात्रा में शामिल होने के लिए आया है। और वही बात जो पिछली बार साल मैंने आपसे की थी, किसी ने एक रुपया भी आपको इस यात्रा के लिए दिया क्या? सभी अपने जेब से पैसा लगाकर और इस यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं। यही जुनून है जो नरेंद्र मोदी को काम करने की प्रेरणा देता है, यही जुनून है जो अमित शाह को खड़ी संसद में ये कहने के लिए मजबूर करता है कि जान दे देंगे उस कश्मीर के लिए लेकिन कश्मीर नहीं देंगे। और यही जुनून हम सब कार्यकर्ताओं के मन में होना चाहिए। हमारे जिले का जवान संदीप यादव जब बलिदान देता है, हमारे जिले का जवान नीलेश ढाकर जब देश के लिए बलिदान देता है, हमारे पास का सैनिक भाई दिनेश गुर्जर जब भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान करता है, तो खातेगांव के कोने कोने से आवाज आती है कि दिल दिया है जहां भी देंगे, ए वतन तेरे लिए हम जिएंगे और मरेंगे।